आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट एग कोरमा, जिसके लिए मुझे कुछ सामग्री चाहिए। 3 से 4 प्याज लिए हैं, इसको धोकर छीलकर धोकर रख लिए हैं, और 10 से 15 काजू जिसको गर्म पानी में भिगोकर रख दिए थे 15 मिनट के लिए। 1 कटोरी दही, थोड़ी सी 2 चुटकी काली मिर्च, थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ी सी धनिया पत्ती, टेस्ट के अनुसार नमक, 4 से 5 हरी मिर्च, और ये लहसुन 10 से 12 लहसुन, और 1 इंच अदरक का। तो अब चलिए बनाना को हम इस तरीके से कट लगाएंगे। इस तरीके से हमको कट लगाना है, ऐसे पूरा नहीं कट करना है, बस इस तरीके से कट करना है। सारे अंडे को कट कर लेंगे। सारे अंडे में हम ये कट लगा चुके हैं, ये अच्छे से हो गया है। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप नहीं भी फ्राई कर सकते, उससे कोई दिक्कत है, लेकिन हम इसको सेलो फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, थोड़ी सी तेल बची हुई है, इसमें हम डालेंगे प्याज, कटा हुआ प्याज, इसमें डालेंगे अदरक का टुकड़ा, लहसुन छिला हुआ लहसुन, हरी मिर्च, और ये 10 से 15 जो काजू थे गरम पानी में डाला हुआ वो काजू, सबको मिक्स करेंगे। हमको लाल मिर्च नहीं देना है इसमें, इसलिए हम हरी मिर्च दिए हैं, क्योंकि ये हल्का सा थोड़ा सा तीखा हो जाए। लाल मिर्च, हल्दी इसमें कुछ नहीं डालना है। ये हल्का सा मेरा भुना गया है, अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, इसमें डालेंगे 1 कप पानी। अब इसको हम थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए 5 मिनट कम से कम छोड़ देंगे गैस को लो फ्लेम करकर। इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए, सिर्फ सॉफ्ट होने के लिए छोड़ना है, बाकी और 5 मिनट के बाद फिर हम इसको आपको दिखाते हैं। मेरा प्याज और सारा मसाला मेरा सब ये सॉफ्ट हो चुका है, गैस को करेंगे बंद, इसको करेंगे ठंडा। ठंडा होने के बाद इसका सारा हम पेस्ट बना, प्याज वाला मसाला और काजू जो भी हरी मिर्च वाला मसाला था पीस के हो गया है तैयार। और अब चलते हैं, मेरी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालते हैं 2 चम्मच तेल, ये मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे ये पिसा हुआ पेस्ट, तो 2 मिनट भूनने के बाद इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर, ये हम पहले आपको बताना भूल गए थे, ये गरम मसाला है, कूटा हुआ गरम मसाला। इसको हम 2 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुका है, अब इसको खोल कर देखेंगे। देखिए कितना अच्छा तेल अलग हो रहा है मसाले से। अब इसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी
यहाँ पे हम डालेंगे जो दही लिए थे वो दही, कोरमा है तो इसमें दही डालना जरूरी है, आप क्रीम भी डाल सकते हैं। फिर इसको अभी 2-3 मिनट तक ये भुनाएगा। दही डालने के बाद इसको कंटिन्यू चलाते ही रहना है, नहीं तो फिर दही फटने का चांस रहता है, तो इसको ढक के छोड़ना नहीं है, बस इसको इसी तरीके से चलाते रहना है। जगह पे हम डालेंगे 1 चम्मच घी और इसमें हम जीरा का तड़का लगाएंगे। इसमें हम जीरा का तड़का लगाएंगे और इसको इसको इसी समय डालेंगे हम इसमें इसमें देखिए ये डालने से और कितना अच्छा लग रहा है। फिर थोड़ी देर भूनेंगे, 1.5-2 मिनट के लिए और भुनाएगा ये। देखिए मेरा कितना अच्छा तेल सेपरेट हो चुका है मसाले से। अब इसी टाइम पे हम डालेंगे ये अंडा, देखिए कितना अच्छा एक वाइट कोरमा लग रहा है देखने से। इसी समय हम डालेंगे ये कसूरी मेथी, ये कसूरी मेथी जो लिए थे वो डालेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, बस 2 मिनट के लिए उसको ऐसे ही पलट पलट करके हम चलाएंगे। उसके बाद आपको किसी चीज के साथ खा सकती हैं, पूरी है, पराठा है, नान है, ये सब इसके साथ अच्छा लगता है खाने में। और आप एक बार ट्राई कीजिएगा घर पे बना के, बहुत अच्छा बनता है और अच्छा लगता भी है खाने में भी। इसमें अगर आप चाहें तो ग्रेवी लगा सकती हैं और नहीं चाहे तो ऐसे ही, हम तो ऐसे ही बनाएंगे, बस थोड़ी सी पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं पानी डाल पड़ता है। देखिए एक उबाल आ चुका है मेरा, हो गया है एक वाइट कोरमा रेडी। अब गैस को करते हैं ऑफ। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।